तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले कुछ इस टाइप की फ़ोटो एडिटिंग। तो ये बहुत क्रिएटिव फ़ोटो एडिटिंग है, मस्त टॉपिक लाया हूँ। तो वीडियो पूरा देखेगा, इसकी बिल्कुल मत करेगा। सिंपल स्टेप में पूरी वीडियो है, इसकी बिल्कुल मत करेगा, नहीं तो एक भी स्टेप मिस करोगे तो वीडियो समझ नहीं आएगा। और पहले मैं पिक्सआर्ट से स्टार्ट करता था एडिटिंग करना, अब मैं लाइटरूम से स्टार्ट करूँगा इस टॉपिक पे। तो जो भी हमारे चैनल में नए हों, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और पास बेल आइकन को प्रेस कर देना। और अभी तक हमारे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगा, वहाँ जाकर फॉलो कर लेना। और मैं लास्ट में स्क्रीन शॉट करके मैं PNG बनाना बता दूँगा। और वीडियो को एक लाइक कर देना प्लीज़। चलिए तो चलते हैं वीडियो की, तो यहाँ से चलिए शुरू करते हैं। तो फिर चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ, यहाँ से शेयर कर लेते हैं अपने लाइटरूम में, कर लेते हैं अपना लाइटरूम। यहाँ से ऐड हो चुकी है फ़ोटो, यहाँ से ऑल फ़ोटो मतलब ऑटो कर लेंगे। यहाँ से अपने अपने अकॉर्डिंग कर लेना, मैं अपने अकॉर्डिंग कर रहा हूँ। शैडो सॉरी कॉन्ट्रास्ट को उतना, हाईलाइट्स को कुछ इतना कर लेना है, एंड शैडो बढ़ा लेनी थोड़ी सी, एंड वाइट बढ़ा लेना है, एंड ब्लैक्स कम कर देना है। एंड यहाँ पे ना मिक्स पैन है, एंड ऑरेंज पे जाना है, इसकी सेचुरेशन कम कर देंगे एंड लुमिनस बढ़ा लेंगे। एंड यहाँ पे आएंगे इसकी, एंड ह्यू बढ़ा लेंगे, सेचुरेशन बढ़ा लेंगे, ह्यू कम कर देंगे सॉरी। एंड यहाँ से कुछ इतना ही वाले ग्रीन पे आएंगे, एंड इसकी ह्यू को इतना करना है, एंड सेचुरेशन को कुछ इतना कर लेना है। एंड ब्लू पे आएंगे, ब्लू पे सेचुरेशन 100 करना है, एंड ह्यू थोड़ी सी बढ़ा लेना है। रियल ब्लू पे आना है, इनकी सेचुरेशन कुछ इतना करना है, एंड ह्यू को 20 रख लेना है। एंड यहाँ से डन करना है, एंड येलो टूल पे आना है, क्लैरिटी को बढ़ा लेना है, एट्टी कर लेना है क्लैरिटी को, एंड बिगनेट को 10 कर देना है। यहाँ से एंड यहाँ पे आएंगे, एंड शार्पनेस बढ़ा लेंगे थोड़ी सी, फ़ोटो में शार्पनेस नहीं है। यहाँ से 30, यहाँ से नॉइज डिटेक्शन को बढ़ा लेंगे, इसको भी 30 कर देंगे, या 30 या 40 कर लेंगे, 40 कर लूँगा मैं। यहाँ से फ़ोटो कितनी मस्त फ़ोटो बन चुकी है, तो यहाँ से हम सेव कर लेते हैं फ़ोटो को। तो यहाँ से हम बैक कर लेते हैं, अब हो चुका है। तो यहाँ से अपना पिक्सआर्ट ओपन करेंगे, एंड यहाँ से पिक्सआर्ट ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ से अपना ड्रॉ टूल खोलते हैं, एंड यहाँ से एम्प्टी लेयर बना होगा, तो यहाँ से एम्प्टी लेयर पे सिलेक्ट कर लेते हैं फ़ोटो को, एंड यहाँ पे करना है, एंड यहाँ पे आना है, यहाँ से कुछ इतना कर लेना है, सॉरी एक और एम्प्टी लेयर बना लेना है, इस पे आना है, एंड ऐड फ़ोटो कर लेना है, ऐड कर लेना है। मैं तो बना चुका हूँ, तो लास्ट में मैं वीडियो की लास्ट में बनाना बता दूँगा इसको कैसे बनाया हूँ। कुछ अपने अकॉर्डिंग कर लेना, मैं अपने अकॉर्डिंग कर रहा हूँ, कुछ इतना करना है यहाँ से, एंड सॉरी यहाँ पे आना है, एंड ये वाले पे आना है, यहाँ से इरेज़ टूल पे जाना है, सॉरी यहाँ पे आना है, एंड यहाँ एंड फिल कर लेना है। यहाँ से कुछ इतना करना है, कुछ इतना कर लेने के बाद पूरा नीचे तक कर लेना है। यहाँ से यहाँ नीचे से भी कर लेते हैं हम, यहाँ से हम ऊपर से भी कर लेंगे।
यहाँ से एंड इस साइड से भी कुछ क्या कर लेना है। यहाँ से एंड ऊपर से भी कुछ इतना कर लेना है। यहाँ से कर लेते हैं डन एंड यहाँ पे आएंगे ऐड कर लेंगे वाली पीएनजी एंड यहाँ से एक फायर पीएनजी ऐड कर लेंगे। एंड यहाँ से ब्लेंडिंग पे स्क्रीन कर लेंगे इसको जितना कर लेना है एंड थोड़ी सी रेस कर लेना है। यहाँ से कर लेते हैं डन तो हमारी फोटो बन चुकी है। यहाँ से सेव कर लेते हैं टोटल पे जाके तो यहाँ से सेव लेते हैं।